<laughs> डायरेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप डायरेक्टर भी हैं और आप एक्टर भी हैं और उससे ज्यादा और डिफिकल्ट हो जाता है जब आप एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं एक प्रोजेक्ट के और ये मैं आपको बता दूं हम सब इस दौर से गुजरे हैं जब ये फिल्म बन रही थी उस वक्त को कोविड अपने पीक पर था ये अब नहीं बनी है, ये पिछले साल की शूटिंग है तो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना और कोविड को झेलना और उसमें प्रोड्यूस भी करना डायरेक्ट भी करना एक्ट भी करना तो ज़रूर कोई ख़ास बात रही होगी स्क्रिप्ट में जो ये रिस्क लिया गया तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा या ये खुद ही बोलें कि ऐसी क्या बात थी स्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ बनाने के लिए uh, कुछ इंस्पिरेशन चाहिए और uh, जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी एक्चुअली uh, ये स्क्रिप्ट मैंने दो साल पहले सुनी थी दो तो ढाई साल पहले एंड uh, जब uh, संदीप और रामिल ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे लगा कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए और आ, मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये चेंजेस करके मिलते हैं उसके बाद डेढ़ दो साल हम भूल गए लॉकडाउन में बैठे थे और फिर मुझे याद आया कि यार वो एक स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था इन्होंने चेंजेस किए हैं कि नहीं किए तो इन्हें बुलाया गया और इन्होंने वो चेंजेस काफ़ी किए हुए थे आ, तो स्क्रिप्ट बहुत इंस्पायरिंग हुई और जैसा कि रोहित ने कहा भी कि इट इज़ बेस्ड ट्स बेसिकली वन इंसीडेंट लेकिन कुछ चीज़ें यू नो ड्रामाटाइज भी की जाती हैं तो आई रियली वॉन्टेड टू मेक दिस फिल्म दैन एंड फिर उसके बाद हमने और सब्जेक्ट पर काम किया अब वो इतना अच्छा शेप अप हो गया कि देन रिसेंट के अभी शुरू कर देते तो महीने भर में आई थिंक लॉकडाउन में हमने ये फिल्म शुरू कर दी एंड एंड मैन आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म मुझे लगता है कि uh, मैं कोई ऐसी फिल्में ढूंढता हूं जो आसान रास्ते से ना जाती हूँ mm. तो बहुत मुश्किल था ये नए विजुअल्स क्रिएट करना क्योंकि पिक्चर आसमान में हवा में बादलों में फिर धरती पे तो इट वाज इट वाज वेरी एक्साइटिंग जब स्क्रिप्ट आई तो एज एन एक्टर आपने सोचा या प्रोड्यूस करूंगा या एक्ट करूंगा या पहले से था कि ये स्क्रिप्ट मैं ही डायरेक्ट करूंगा ये स्क्रिप्ट मैं मैं डायरेक्ट करूंगा फिर 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 उसके बाद मैंने 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 सोचा 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 एक्टर किसको ले फिर मैंने अपने ले अपने आप को लेता लेता इसको प्रोड्यूस कौन करेगा बोला ही कर लेता हूं। अच्छा ये इनकी पुरानी आदत है जब हम लोगों ने राजू चाचा भी बनाई थी तो यही हुआ था प्रोड्यूस कोई और करने वाला था सडनली एक दिन हम सबको ऑफिस बुलाया गया आधी रात को एंड कहा कि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा ये कई बार ऐसा करते हैं तो ये पुरानी आदत है इनकी कोई नई बात नहीं है एंड अब आपके जो को पायलट है उनको स्टेज पे बुलाते हैं रकुल प्लीज कम